हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक इमोशनल कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है बुक डॉग एंड अस से, जिसको कि लिखा है बहुत सारे राइटर्स ने, डॉग लवर्स ने, जिसमें कि मेनका गांधी जी, रस्किन बॉन्ड, गुल पनाग जी जैसे नाम शामिल है। इन सब ने मिलकर ये बुक लिखा है। अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और TUC के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको 200 रुपये का ऑफ भी मिलेगा। कूपन कोड भी मैंने नीचे दे रखा है, आप Amazon से ये बुक खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, इस कहानी का नाम है वाई डॉग्स गो टू हेवन। डॉग्स हेवन में क्यों जाते हैं, और वहाँ पर जाके डॉग्स भगवान से क्या सवाल करते हैं। भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी हो, उनसे क्या सवाल करते हैं डॉग्स। डॉग्स पूछते हैं कि जब हम हेवन में जाते हैं तो क्या वहाँ पे हमको सोफे में बैठने की इजाज़त मिलती है, या फिर जैसे अर्थ में हमारे साथ बिहेव किया जाता है कि सोफे में मत बैठना, बेड में मत बैठना, क्या वैसा ही बिहेव हमारे साथ हेवन में भी होगा। जब हम हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तब भी क्या हमको बचा कुचा खाना ही मिलेगा, जैसे कि ह्यूमंस हमको देते हैं, या फिर हमको पूरे ब्रेड का पूरा पीस मिलेगा, या फिर फ्रेश बिस्किट मिलेगा। हम लोग अर्थ में ह्यूमंस की हर एक चीज़ समझते हैं, उनके हैंड सिग्नल समझते हैं, उनके विसल समझते हैं, उनके हॉर्न समझते हैं, वो जो भी कुछ बोलते हैं वो समझते हैं, उनकी हर एक स्मेल से हम प्यार करते हैं। पर ह्यूमंस हमको क्यों नहीं समझ पाते हैं अर्थ में? क्या ह्यूमंस की तरह ही भगवान भी हमारे वोकल कोर्ड्स काट देंगे, वोकल कोर्ड्स निकाल देंगे क्योंकि हम चिल्लाते हैं? या फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक वाले कॉलर्स पहना देंगे भगवान भी, ताकि जब भी हम चिल्लाए वो इलेक्ट्रिक शॉक लगे हमको और हम सारी ज़िंदगी के लिए चुप हो जाए? डॉग्स भगवान से पूछते हैं कि इंसानों को ऐसा क्यों लगता है कि हम फालतू में ही चिल्लाते रहते हैं, हम फालतू में चिल्लाते रहते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए, पर हम जब भी चिल्लाते हैं हम ह्यूमंस को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। डॉग्स भगवान से स्वर्ग में ये भी पूछते हैं कि क्यों हमको हर रोज़ सेम खाना, बचा कुचा खाना, या फिर हर रोज़ एक ही खाना दिया जाता है, जबकि ह्यूमंस हर रोज़ अलग अलग खाना खाते हैं। हमको भी अलग अलग टेस्ट चाहिए होता है, हमारे लिए ही सेम खाना क्यों? कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए, या फिर लोगों के सामने अपने डॉग्स को अच्छे दिखाने के लिए क्यों हमारे टेल और हमारे ईयर्स काट दिए जाते हैं? अगर उनको छोटा डॉग ही चाहिए तो वो छोटा डॉग क्यों नहीं ले आते? बड़ा डॉग लेके आने की क्या ज़रूरत है? डॉग्स ये भी पूछते हैं कि क्या हेवन में हमें चॉकलेट खाना अलाउड है, या फिर हम सिर्फ उसको सूंघ सकते हैं? जब इंसान चॉकलेट खा सकते हैं और उनको बीमारी नहीं होती, तो हमको चॉकलेट क्यों नहीं खाने देते हैं इंसान? इंसान क्यों फोर्सफुली हमारे बच्चों को किसी और को दे देते हैं? क्यों हमारे बच्चों को अपनी माँ से वो अलग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए? क्या हमारे बच्चों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने माँ के साथ रहे? जब हम हेवन में जाएंगे तब भी क्या भगवान हमारे बच्चों को छीन लेंगे हमसे? जब इंसानों के बच्चे होते हैं तब इंसान हमें अपने घर से बाहर क्यों निकाल देते हैं? क्यों इंसानों को लगता है कि हम उनके बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए खतरा है? क्या इंसान हमको नहीं लेके आए थे अपने पेरेंट्स से छीन के और हमको अडॉप्ट किया था जब हम छोटे बच्चे थे, तो अब हमको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं जब उनका खुद का बच्चा हो गया है? जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनको स्मेल करते हैं, उनके दुख दर्द हर मुसीबत में हम इंसान के साथ रहते हैं, भले ही वो जवान हो या फिर बूढ़े हो जाए। उनके हर एक बीमारी में हम बिना किसी चिंता के उनके पास सोते हैं, उनके पास रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है भगवान, जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो इंसान हमें घर से बाहर निकाल देते हैं मरने के लिए? जब हम थोड़े भद्दे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तब इंसान हमें घर से बाहर निकाल देते हैं? जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो इंसान हमें घर से बाहर निकाल देते हैं? क्या भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे स्वर्ग में? इंसान अपने बच्चों का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा बर्थडे वो लोग क्यों नहीं मनाते? क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? क्या भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे स्वर्ग में कि हमारा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं होगा? डॉग्स भगवान से ये भी पूछते हैं स्वर्ग में, क्या भगवान मैं आपके गार्डन को डिग कर सकता हूँ? क्या मैं आपके गार्डन को खोद सकता हूँ? या फिर आप हमेशा मेरे को बांध के रखोगे जब भी आपके घर में गेस्ट आएंगे? या फिर आप भी अपने साथ हमको वेकेशंस में
नहीं लेके जाओगे, या फिर आपके पास भी कोई इंडोर गेम नहीं है जब हम लोग बोर होते हैं, क्या आपके पास भी टाइम नहीं है हमारे साथ खेलने का? डॉग्स भगवान से ये भी पूछते हैं कि जब इंसानों के बच्चे बीमार होते हैं तब क्या इंसान अपने बच्चों को डॉक्टर के पास अकेला भेज देते हैं, या फिर ड्राइवर के साथ भेज देते हैं, या गार्ड के साथ भेज देते हैं? अगर उनको नहीं भेजते, उनको खुद लेके जाते हैं, तो हमें क्यों ऐसा ट्रीट करते हैं? क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? जब हम वेट के पास जाते हैं तो वेट हमको ट्रीट्स या फिर टॉयज क्यों नहीं देते हैं, जैसे कि इंसानों के बच्चे को पेडिट्रिशियंस देते हैं? डॉग्स भगवान से स्वर्ग में ये भी कहते हैं कि हर एक बार बाइट, लेक या फिर लुक से रेबीज नहीं होता है, और वो भगवान से ये भी कहते हैं कि क्या आप उनके बच्चों को समझा सकते हैं कि ये ओके नहीं है हमारे कान को खींचना या फिर हमारे ऊपर जंप करके बैठना? डॉग्स भगवान से ये भी कहते हैं कि क्या आपके स्वर्ग में सारे पार्क्स हमारे लिए खुले हुए हैं ताकि हम फ्रीली वहाँ पे खेल पाए, भाग पाए और घास खा पाए, जो मर्जी कर पाए? हमें चेन से बंधा हुआ रहना अच्छा नहीं लगता। इंसान हमें मीठा नहीं देते जबकि खुद खाते हैं, तो ये इंसानों को जब नुकसान नहीं करता तो हमारे ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्या आपके स्वर्ग में ऐसा कोई मशीन है कि हम जब भी चाहे बस एक बटन दबा के हम लोग अपना बिस्किट खा सके? डॉग्स भगवान से ये भी पूछते हैं कि अगर इंसानों को अपने विजिटर्स से मुझे मिलाना ही नहीं है कभी, मेरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना, तो मुझे शेक हैंड्स या फिर सैल्यूट करना क्यों सिखाते हैं? भगवान से ये भी पूछते हैं डॉग्स कि जब भी आप बाहर जाओगे, क्या तब भी वहाँ पर भी स्वर्ग में भी क्या मेरे को बांध के जाओगे या फिर मेरे को लॉक करके जाओगे? डॉग्स ये भी पूछते हैं भगवान से कि मैं जब भी चाहूँ क्या मैं आपके गोद में आके बैठ सकता हूँ? जब भी थंडरस स्टॉर्म आए या फिर बिजली कड़के, तो क्या मैं आपके गोद में बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपको प्यार कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फेस चाट सकता हूँ? आप मुझे मारेंगे तो नहीं या फिर आप मुझे रोकेंगे तो नहीं? डॉग्स ये भी पूछते हैं आखिर में कि मैंने इंसानों को अपनी सारी ज़िंदगी दी, अपने सारी ज़िंदगी का हर एक वक्त दिया, तो इंसान मुझे अपना स्पेयर टाइम भी क्या नहीं दे सकते? इंसान मुझे मार्केट में बेच देते हैं और मार्केट से ख़रीद भी लेते हैं, तो क्या मैं इंसानों को बेच सकता हूँ क्या मार्केट में? तो दोस्तों, ये थी डॉग्स की बात भगवान से इंसानों के बारे में। ये कहानी लिखी है मेनका गांधी जी ने, और दोस्तों मेनका गांधी जी ने एंड में एक मैसेज दिया है, अनटिल वन हैज़ लव्ड एन एनिमल पार्ट ऑफ देयर सोल रिमेन्स अनअवेकन्ड, वेक अप ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, डॉग एंड अस में से ये वाला चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और दोस्तों ये बुक अगर आपको परचेज करनी हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, TUC के सब्सक्राइबर्स के लिए 200 रुपये का ऑफ भी है, कूपन कोड ज़रूर लगाएं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।